जिला कैथल में नगर पालिका कर्मचारी फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने अलग अलग यूनियनों के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन किया और काले झंडे लेकर रोष मार्च निकाला, जिसके बाद लघु सचिवालय जाकर ज्ञापन सौंपा। नगर पालिका कर्मचारियों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। कर्मचारियों का आरोप है कि सभी लंबित मांगों पर बार बार बनी सहमति के बावजूद हरियाणा सरकार वादा खिलाफी कर रही है, जिसको लेकर पालिका कर्मचारियों में भारी रोष है। मुख्य मांगों में रात्रि के 65 सफाई कर्मचारियों का 7 महीने का बकाया वेतन जारी करवाना है। इसके साथ ही अग्निशमन विभाग को शहरी एवं स्थानीय निकाय विभाग के अधीन रखने की मांग की गई है। कर्मचारियों का कहना है कि अग्निशमन विभाग को राजस्व विभाग के अधीन करने की सरकारी मानसिकता का संगठन पुरजोर विरोध करता है। संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर पूरे प्रदेश में पालिका परिषद और निगमों के कर्मचारी 35,000 कर्मचारी हरियाणा सरकार की वादा खिलाफी, दुलमुल रवैये के कारण और उसके प्रशासन के दुलमुल रवैये के कारण और 25 अप्रैल और 17 अगस्त के जो समझौता किया था अनिल बिज ने, विभागीय मंत्री ने, उस समझौते के परिपत्र जारी कराने को लेकर के आज का हमारा प्रदर्शन है। सरकार लगातार इन दलित सफाई कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी शोषण कर रही है और इसी कड़ी में सरकार ने एक और कुछ चाल चली है। अभी फायर ब्रिगेड जो नगर पालिका का हिस्सा, नगर निगम पालिका का हिस्सा है, उसको अलग करते हुए राजस्व विभाग में भेजने के लिए सरकार की नीति में खोट है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती भाई नगर पालिका का फायर का इक्का बने। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो भी सरकार की चालने हैं और सरकार की जो दलित मजदूर कर्मचारी किसान विरोधी नीतियां, उसका हम डटकर मुकाबला करेंगे और उसी कड़ी में आज का हमारा ये प्रदर्शन है और हमारी मांग है। हमारी मुख्य मांगे हैं, 8 अगस्त को हमने निकाय मंत्री अनिल विज को ज्ञापन दिया था और खुद ज्ञापन लेने आए थे अम्बाला में। उन्होंने कहा था कि मैं बड़े अधिकारियों से बातचीत करके आपका जो निकाय विभाग से फायर विभाग को अलग कर रहे हैं, मैं अधिकारियों से बात करूंगा और राजस्व विभाग में नहीं जाने दूंगा। लेकिन सरकार ने अभी तक भी कोई उस पर संज्ञान नहीं लिया और ना कोई नोटिफिकेशन जारी किया है। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर 27 अगस्त तक हमारी नोटिफिकेशन को रद्द नहीं किया और निकाय विभाग में इस महकमा को नहीं रखा गया तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। दरअसल 25 अप्रैल और 17 अगस्त 2020 को संगठन के साथ विभागीय मंत्री के किए गए समझौते को अभी तक लागू नहीं किया गया है और इसी वजह से संगठन को आंदोलन तेज करने पर मजबूर होना पड़ा है। तो वहीं आंदोलन की आगामी कड़ी में 24 और 25 अगस्त को भूख हड़ताल करने के बाद 27 अगस्त को सभी पालिका कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहने का ऐलान कर चुके हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।